Gres. Ach, Gres, sí, eh. अगले अंपायर सत्य सिंह को तो हाथ लाए, ठीक है, धीरे से एमजे सचिन भाई होटल दिए, एमजे होटल दिए एक साइड एमजे, स्कोरिंग में वैभव भारद्वाज एंड सोनू भाई, कभी हम स्वागत करते हैं, तो दोस्तों मैच फिलहाल प्रारंभ हो चुका है, बिजनेस ब्रिगेड बल्लेबाजी कर रही है, पहले ये भैया शुरुआत तो बहुत बढ़िया चैडन पर गणेश का फिलहाल इशारा समाप्ति के बाद एक मैच और होना है, आप सभी अंतिम समय तक बने रहें। बल्ले के साथ बॉल को खेल दिया है, रन कोई नहीं, बिजनेस ब्रिगेड आशुतोष गेंदबाजी कर रहे हैं, तरुण ढींगरा और अनिरुद्ध सिंह प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पे, बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी है नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर आएगी, इधर अंपायर का इशारा भी आएगा, अच्छा ओवर गुजरता हुआ, दो बाउंड्रियां अभी तक आ चुके हैं इस ओवर में, पहले स्क्वायर लेग के ऊपर आई थी, दूसरी लॉन्ग ऑन के ऊपर आ गई है, चार रन फिर से बटोरे हैं, पहला ओवर खर्चीला साबित होता हुआ आशुतोष का, तरुण ढींगरा तरुण ढींगरा की बल्लेबाजी भी ढींगा की तरह है, जो ढींगा हमारे बेटिन बल्लेबाज सचिवालय से खेलते हैं, दिनेश ढींगा नाम है उनका, वैभव भारद्वाज के फेवरेट हैं वो, जाने दिया बॉल को, बॉल को जाने दिया, और इसके साथ ही ओवर भी यहां पे समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर, बिना किसी विकेट के नुकसान पे ये स्कोर, दूसरा प्रारंभ हो चुका है और नवीन गेंदबाजी को लेके आए हैं,
बैट बॉल का इशारा, अच्छी बॉल, दूसरा ओवर प्रगति पे है, छोड़ दिया लेग स्टंप को बॉल ने, व्हाइट बॉल के लिए अंपायर शक्ति सिंह ने अपनी बाहों को फैलाया, एक और आता हुआ यहां पे टीम के लिए, क्लीन बॉल, अच्छा गेंद अंदर आया, समझ नहीं पाई और पहला विकेट बिजनेस ब्रिगेड का फिलहाल। राशिद हैं विकेट कीपर और मुझे लगता है अगर थोड़ी हेल्थ ठीक होती है तो ये पुराने वाले सैफ अली खान भी थे, उनके बालों का अंदाज भी शुरुआत में ऐसा ही था जब डेब्यू कर रहे थे वो बॉलीवुड में, हाँ बॉबी देवल का भी कुछ ऐसा ही था, जॉन अब्राहम भी आए थे लगभग इस कट पे। नवीन ने आके विकेट निकाली है जो जरूरी विकेट चाहिए थी, तरुण ढिंगरा को उन्होंने आउट करके पवेलियन दिया, क्लीन बोल्ड सबसे बेहतरीन आउट माना जाता है, क्लीन बोल्ड बॉल यहां पे देखिए, आते ही एक विकेट के बाद कितना बढ़िया शॉट खेला, बहुत जल्दी अपने आप को दबाव मुक्त किया, निकल जाती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई सफेद रंग की नैनो कार मसूरी से देहरादून आ रही हो, चार रन घूमती घूमती, बॉल नवीन डिलीवर करेंगे, यहां पे धोनी की अपील बेहतरीन भाई, धोनी बढ़िया अपील कर रहे हैं, अंपायर तक जा रहे हैं, आवाज तो उनकी ऋषिकेश तक जा रही होगी, वहां पे अगर कोई मैच हो रहा होगा तो वो अंपायर भी सकते में आ गए होंगे, ओए होए 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 बढ़िया भाई, टोपी निकली लहराते हुए बाल, बिल्कुल शैंपू का ऐड देते हुए, लेकिन 5 पैकेट शैंपू लगते होंगे एक टाइम पे पाउच वाले, बैट बॉल बेहतरीन, दो ओवर मुकम्मल और 18 रन एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद तरुण ढिंगरा मात्र एक विकेट के तौर पे आउट हुए हैं, ताकि मोहित ऋषि और अनिरुद्ध बल्लेबाजी कर रहे हैं, नवीन अपने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं और संतोष ने भी 1 ओवर में 9 रन दिए हैं, लेकिन यहां पे नवीन का थोड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक विकेट निकाल के दिया है उन्होंने,
अदरवाइज रन तो बिल्कुल सेम है दोनों ही टीमों के। रन रिकॉर्ड आ गया 19 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर। आशुतोष अपना दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके पाई जाए, कुछ कुछ भी बोलो लेकिन विकेट कीपिंग अच्छी है। गेंद अच्छा था, उछाल लेता हुआ विकेट की बल्लेबाज समझ नहीं पाए और विकेट कीपर ने बढ़िया विकेट कीपिंग कर दी। अच्छा है, अच्छा है। आशुतोष अपील जरूर। सचिन भाई आशुतोष कितना सॉफ्ट नेम है ना, ऐसा लगता है कि सबसे मतलब आदर्श जो है वो आशुतोष होंगे, कभी झूठ नहीं कहते होंगे, हमेशा मम्मी पापा का कहना मानते होंगे। हाँ हाँ, कभी कभी होता होगा नाम के प्रोजेक्ट आशुतोष विमल। वाकई बढ़िया आशुतोष विमल की बात बताऊंगा सचिन भाई, आजकल हाथी के ऊपर सवारी कर रहे हैं वो, बंद गले का कोट लगा के और वही काली कलर की पूरी ड्रेस है उनकी और हाथ में रिवॉल्वर, तो शौक है उनका पिस्टल को रखना। बढ़िया आगे, यहाँ पे निशाना ठीक है, निशाना ठीक है। से छेड़ा यहां पे बॉल को, फिर नहीं हो सकी बॉल, रन एक मिल जाएगा। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है, विकेट हालांकि एक आउट है लेकिन गेंदबाजों का काम अभी कंप्लीट हो नहीं जाता है। तीन ओवर हो चुके हैं, 22 रन बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे, अनिरुद्ध 4, मोहित 5 रन के योग पे। दो ओवर अच्छा था आशुतोष का, दो ओवर में मात्र 12 रन दिए उन्होंने, 6 की एवरेज है। 15 ओवर के लिहाज में अगर आप गेंदबाजी में 6 की एवरेज से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो बढ़िया है, ये बुरा नहीं है। नवीन वाइट बॉल का इशारा, और नवीन की बात करें तो अभी तक विकेट निकाली ही उन्होंने, और जब आप विकेट निकालते हैं तो आगे भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं आपकी कि आप आगे भी जो ओवर्स आपके आएंगे उसमें विकेट निकाल के देंगे। गेंदबाज अच्छे हैं, ओवर की स्टिक बॉलिंग कर रहे हैं, छोटा बॉल का सीधे बल्ले के साथ गेंद लिया है और रनिंग बिटवीन द विकेट की तो तारीफ करनी होगी यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है रन लगातार
रन बनाने हैं और कल तो इस मैदान में ट्रायल होगा, सचिन की तो खासी तैयारियां हैं ट्रायल्स को लेके, होनी भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। रन आ गया टीम के लिए, दस पर ये मैदान भी बिजी है क्योंकि अब मान के चले सचिन भाई आप शहीद मेमोरियल लगभग तो एक माह का टूर्नामेंट तो मानते चले आप, तो लगभग 10 दिन का ये हो गया, उसके बाद ट्रायल्स हैं, तो एक मैदान यही चाहता है कि उसके ऊपर मैक्सिमम मैचेस हो। यूनिवर्सिटी ऑफ द पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडी, ये खराब लाइन था आपकी बात, मुझे लगता है कि बल्लेबाज ने अपेक्षाकृत फायदा उठाया नहीं। चौथा ओवर प्रगति भी सुस्ताने का मौसम है, माहौल है, शुरुआत में हम क्रिकेट देखते थे सचिन भाई तो जो भारत में था सीजन लगभग अक्टूबर के महीने खुलता था क्रिकेट का और फरवरी तक चलता था, उसके बाद की क्रिकेट होती थी इंटरनेशनल क्रिकेट भी वो खासकर इंग्लैंड में होती थी, और अब देखो आप कहीं भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी सिटी हो, 12 महीने की क्रिकेट आ गई। मैं आज से 2 साल पुरानी बात बताऊँ, मैंने एक टूर्नामेंट होस्ट किया था, टूर्नामेंट का नाम था बरसात प्रीमियर लीग, रामराज ग्राउंड पे हुआ था, और मुझे लगता करीबन 5 से 7 मैच तो उनके बारिश से ही धुले थे, प्रेजेंटेशन भी बड़ी मुश्किल में हुआ था उसका, हमेशा यही खतरा रहता था कि बारिश आ जाएगी, बारिश को लेकर स्पेशल नियम भी बने थे। लिटिल स्टार क्रिकेट एकेडमी ने होस्ट किया था वो टूर्नामेंट बरसात प्रीमियर लीग, गणेश रोयाल उस टूर्नामेंट में नहीं थे, तो मैचेस काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जैसे कि कल आप अभी बात बता रहे थे कि बस मुंबई जैसी सिटीज़ में महाराष्ट्र में बारिश में भी कई टूर्नामेंट्स होते हैं, मुंबई की क्रिकेट होती है महाराष्ट्र की मड क्रिकेट जिसे कीचड़ में खेला जाता है, तो वो सुट क्रिकेट भी मानी जाती है, शायद ही कोई महाराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेटर होगा जो उस क्रिकेट को ना खेला हो, कांगा लीग टूर्नामेंट का नाम है, कांगा लीग सचिन तेंदुलकर से लेकर अजीत अगरकर विनोद कामली जितने भी बड़े स्टार हैं रोमेश पवार अतुल बडाडे सराज बतुले नीलेश कुलकर्णी सब उस लीग को खेले हैं। बढ़िया शॉट, खाली बड़ा क्षेत्र, 4 रन आएगा, कई प्रतियोगिताएं होती हैं आप देहरादून में, चालीस से 45 ओवर के मैचेस होते हैं, आपने तो खुद कवर किए हैं वो मैच, तो उसके अलावा एक और ट्रॉफी होती थी पहले दिल्ली में शीश महल ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी है, कई प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी कैलेंडर टूर्नामेंट से एक टूर्नामेंट अब इनविजिबल मुझे थोड़ी सी होते हुए दिख रहा है, गढ़वाल प्रीमियर लीग, ये फुल टॉस बॉल यहाँ पे, मुझे लगता है बल्लेबाज ने वो फायदा उठाया नहीं, तीन एडिशन हो चुके हैं गढ़वाल प्रीमियर लीग के, लेकिन अब एक बार प्रीमियर लीग की ना बाढ़ सी आ गई थी, उत्तराखंड प्रीमियर लीग, उत्तराखंड क्रिकेट लीग, देहरादून प्रीमियर लीग, गढ़वाल प्रीमियर लीग, कुमाऊं प्रीमियर लीग, कोटद्वार प्रीमियर लीग, ये लीग वो लीग, राणा लीग, ढिंकाना प्रीमियर लीग, इतने ज्यादा प्रीमियर लीग होने लग गए थे, ये सारी आईपीएल की डमीज थी,
और आईपीएल खुद आईसीएल की डमी है। कपिल देव ने इजाद किया था, कपिल देव जीटीबी और कुछ और गणमान्य व्यक्ति उसमें थे, लालू प्रसाद यादव ने मिलके आईसीएल का निर्माण किया था। आईसीएल की डमी बनी आईपीएल और फिर तो पीएलईपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग। बढ़िया शॉट, श्रीलंका प्रीमियर लीग लीग्स हुए। और बिग बैस बढ़िया शॉट यहां पे गेंद को खेला है और रन आया है। रन लगातार आते हैं। बढ़िया, हालांकि नहीं इस बॉल पे। तो अब यहां पे ओवर और पूरा 5 ओवर 36 रन, एक पांच ओवर में 36 रन। दूसरे नंबर से कॉल करो। हो गया छत्तीस थी सीसमेल ट्रॉफी। हालांकि लंबा समय, मुझे तो करीबन 10-15 साल तो मैं इतना ग्रांटेड कह सकता हूं कि से बंद हुए और रेडियो पे उसकी कमेंट्री भी आती थी। ये बॉल पुल के ले गए और मैं धोनी बहुत दूर दौड़ गए। टीम के लिए विकेट एक ही आउट है फिलहाल, पार्थ शर्मा है बॉलर।
अनिल ने भी अभी तक एक ओवर गेंदबाजी की है, 10 रन दिए उन्होंने। अच्छा लिया भी, बैट पे बढ़िया लिया, रन एक और आ गया टीम के लिए। जी की अगर बात करें जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंह बाबू स्टेडियम में भी उन्होंने अपने खेल का जौहर बिखेरा है। यहाँ पे एक अपील जरूर होती हुई क्योंकि काफी प्रतियोगिताएं हमारे सक्सेस में तो काफी पुराने खिलाड़ी रहे हैं। एक पचास रन, छह ओवर खेल समाप्त।
ये अच्छा बॉल है। शशांक मोहित जोशी और अमृत सिंह बढ़िया बेहतरीन। बढ़िया बॉल, अच्छी गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। लगातार अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया। शशांक लगातार डॉट बॉल का यूज करते हुए। मैडिन ओवर था शशांक का। ये बॉल आपकी बैट थर्डमैन की दिशा की ओर जाती हुई निकल गया। शॉट बढ़िया भाई, घूम के मारा आपकी बात। इधर अंपायर शक्ति सिंह का इशारा चार रन का। बल्लेबाजी बढ़िया, रन आप आ गया एक और। रन लगातार आते हुए यहाँ पे अब जैसे जैसे रन आ रहे हैं साझेदारी बन रही है, क्योंकि जो साझेदारी मैं देख रहा हूँ 44 रन की अभी तक बन चुकी है। गेंदबाजों के लिए अब विकेट लेना जरूरी हो गया है। अनिल लाला की गेंदबाजी करने से पहले शशांक ने अपना पहला ओवर मैडिन डाला, बड़ी बात है 15 ओवर के मैच में मैडिन ओवर का डालना। नहीं कहता वह अनिल मोहित सिंह और अनिरुद्ध सिंह फोर्ड किया, जो भी प्रवृत्त होगा इधर वाइट बॉल इशारा। लाल यहां पे आता हुआ रन लगातार आ रहे हैं।
अच्छा शॉट। 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई दूसरे विकेट के लिए। बाजी जारी है अनिल के द्वारा। व्हाइट बॉल, ओह माय गॉड, व्हाइट बॉल ऑफ स्टंप पे, रन एक मिलेगा। फिर खोल दिया बॉल को हल्का सा ऑफ स्टंप पे और रन आ जाएगा एक और अतिरिक्त, और ये बॉल भी दोबारा फेंकनी पड़ेगी अनिल को, खर्चीले साबित होते हुए अभी तक। अच्छा ये गेंद अच्छा था, ओवर समाप्त यहाँ पे, 8 ओवर 64 रन। अनिल 2 ओवर में 24 रन अभी तक खर्च किए उन्होंने। शशांक है, 1 ओवर कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, लेकिन ओवर मैडिन था।
70 रन। पील गेंद हवा में और ये बाउंड्री की तरफ गई है, ये तो बाहर ही निकल गए 4 रन। शॉट अच्छी, खिलाड़ी थे लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। रास्ते तक आए लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, विकेट हालांकि नहीं निकल रहे हैं, एक ही विकेट फिलहाल आउट है। हिमांशु हैं बॉलर, वाइट बॉल का इशारा। बढ़िया बेहतरीन शॉट, आपकी फाइन लेग के रीजन में खेला, खिलाड़ी हैं जरूर वहां पे, इधर रन जरूर आ जाएंगे। 2 रन। ट्राई अच्छा क्या, लेकिन बॉल 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर गई, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन।
10 ओवर 86 रन, सामने का बोर्ड बताता हुआ 10 ओवर 86, लॉस ऑफ वन विकेट ओनली। ये जी हाँ, बड़ी शॉट खेलने का प्रयास, अच्छा गेंद काउंट होगा यहाँ पे। शशांक के गेंदबाजी पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक शशांक ने, विकेट से दूर हैं लेकिन रन ज़्यादा खर्च किए नहीं उन्होंने। कोवर मैडिन भी अभी तक 11 रन दिए हैं उन्होंने अपने, और ये तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं 87 for 1। रन एक, शॉट अच्छा है, गेंद जाएगी, रन धीरे धीरे आ रहे हैं, ओवर भी धीरे धीरे जा रहे हैं, विकेट का कॉलम अभी भी मात्र एक विकेट ही आउट है। बारवां ओवर चलता हुआ, अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद लेकिन निकली उनसे चार रन के लिए। यहाँ पे मुझे लगा के युग पे ये फील्डिंग कुछ ठीक नहीं हुई, केवल आए बॉल तक कोशिश नहीं हुई। छह चौके और एक छक्का उनका शामिल बल्लेबाजी में। मोहित की बात करें, मोहित ऋषि की 36 बॉलों पे 7 चौके लगाए उन्होंने। बिजनेस ब्रिगेड अच्छी पोजीशन में, यहाँ पे 100 रन का आंकड़ा पूरा हो चुका है।
गहरा है इधर। रन मिला, लाइन का गेंद झड़पे कराने का प्रयास, रन निकलेगा यहां पे। खराब फील्डिंग लगातार, अब क्षेत्ररक्षण पक्ष जो है वो दबाव में आता हुआ इस वक्त फील्डिंग को बिल्कुल टाइट करना जरूरी है, लेकिन ओवर में देखा गया फील्डिंग थोड़ी सामान्य स्तर की रही है। 104 for 1 हवा में है, सेव हैंड में, और बड़े लंबे समय बाद ये विकेट आउट। अतुल रावत जाएंगे बल्लेबाज, लेकिन अभी बड़ी बात है कि अनिरुद्ध सिंह जो है मैदान में डटे हुए हैं, 27 गेंदों का सामना किया है, 6 चौके 1 छक्का लगाया है, 166.67 के एवरेज से रन बन रहे हैं, 104 रन टीम का स्कोर 104। बढ़िया, अच्छा पुल किया, शॉर्ट आर्म पुल था ये, रन आ जाएंगे। मजाक मजाक में 13 ओवर तक खेल पहुंच गया, डेवा भरदा जी सुस्ताते भी, हाँ हो जाएगा 4 रन, सुस्ताने का मौसम है ये वैसे। उदासी बहुत आ गई, तीन ओवर
111. लीजिए यहां पे। जी हां, विकेट निकला है। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए विकेट जाने के बाद ऊर्जा तो आएगी, इसमें कोई दोराई नहीं है, विकेट जाने के बाद ऊर्जा आएगी। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही बात आपको, बहुत खूबसूरत मैदान है, लड़का काम कर रहा है, अच्छा पटेल तो काम कर रहा है। शाम का सिराज का काम ही जीरो पे जाना है। बढ़िया, विकेट कीपिंग यहां पे दौड़ पड़े थे, गेंद वापस आई, स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने बताया भाई साहब यहां क्यों आए हैं, बोला रन लेने, फिर वापस जाना पड़ा उन्हें, बोला अभी मूड नहीं है, आराम से बनाएंगे, आराम से बताते हैं। शॉट, क्या बेहतरीन पैरों पर आपकी बार गेंद को कराया, परिणाम पाया चार रन के तौर पे, शॉट कितना बढ़िया था, एफर्टलेस शॉट, लाजवाब। क्या बढ़िया शॉट खेलते हैं, राव क्रिकेट एकेडमी से खेलते हैं दीपंकर रमोला।
वेट बॉल वेट बॉल डन रन यहां पे आ गया चौदह ओवर 122 ठीक है स्कोर। अब अंतिम ओवर दूसरे मैच की पहली इनिंग है ये जी। स्क्रीन पे हैं अभी अमरजीत सिंह और वैभव भारद्वाज स्क्रीन पे आ रहे हैं जी बिल्कुल। स्क्रीन पे भी वैसे दिखाई दे रहे जैसे दिखते हैं वो बिल्कुल इंसान की तरह। ये तो आई खराब बॉल एक तो फुल टॉस बॉल गति अच्छी थी इसमें कोई दुराय नहीं है फैट बॉल थी और यहाँ पे तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की कमाल की विकेट कीपिंग की उन्होंने यानी कि भाई कुछ ना कुछ ये लकी चार्म तो है विकेट कीपरों के लंबे बाल। और अगर पीछे से देखें तो समझेंगे कि जो वुमेन वाला मैच है वो चल रहा है। फिर से लेग स्टंप की ओर आए व्हाइट बॉल का इशारा हाँ ये सेविंग करके दोनों टीमों में खेल सकते हैं। अक्सर यही गलती हो जाती है स्पीड देने के लिए जाओगे स्विंग कंट्रोल नहीं होगा तो फिर देखो मुझे लगता है कि एक गेंदबाज के लिए सबसे बेहतरीन है उसका टप्पा। वाइड बॉल ये रन आएंगे यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं थे रजत भाटिया उत्तराखंड के पहले कप्तान भी थे वो दिल्ली रणजी ट्रॉफी भी खेले हुए। मैंने एक बार उनका इंटरव्यू कवर किया था एक पाटा विकेट पे चार ओवर में मात्र 19 रन खर्च किए थे। रजत भाटिया से पूछा था कि क्या करना चाहिए जो यंगस्टर आपको देख रहे हैं गेंद कैसी फेंकनी चाहिए एक बात कही जरूरी नहीं कि गेंद कितना स्विंग हो रहा है कितने स्पीड है पर बैट्समैन किस पे परेशान हो रहा है उनकी गेंद पे बिल्कुल स्पीड नहीं थी। लीजिए क्लीन बॉल यहाँ पे तो लंबा समय उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की सेवाएं की हैं रजत भाटिया ने। और पता नहीं कहाँ होंगे आई थिंक DDCA में है वो रजत भाटिया
ये बढ़िया भाई, ये तो ऐसा लगा बॉल पे जैसे कान पकड़ के मारा है। बढ़िया शॉट, जी बिल्कुल, कप्तान तो कप्तान होते हैं भाई। मिली है स्वीकृति, मिल गई यहां पे, आउट हुआ विकेट रिकॉर्ड। विकेट निकली है फिलहाल 128। लीजिए, मिल गए स्वीकृति, स्वीकृति मिल गए भाई। पतन 129 रन। गणेश सुहियाल हमारे अंपायर, बीके चतुर्वेदी, अभिषेक, दीपक, निशाना नहीं लगा इन पे। गेंद वापिस आ गए भाई, अब तो मार दो। लीजिए साहब, बढ़िया, ये तो मजाक के साथ भी मजाक हो गया।
रन की आवश्यकता। इस ओवर में गए हैं 4 विकेट, तब बताओ तुम। अच्छा भाई, ये ओवर पहला नहीं था। मैच वापस प्रारंभ होने जा रहा है सेकंड इनिंग में। अतुल रावत हैं बॉलिंग की आक्रमण पे, 131 रन की चुनौती है पहला बॉल। थ्रो किया पीछे की ओर, रन एक और आता हुआ, पहला ही रन है ये, वेलकम रन है टीम के लिए। अच्छा बॉल, बेहतरीन गेम। एक टप्पे के बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन का इशारा। अनिल नील और ज्योतना बल्लेबाजी कर रहे हैं, अतुल रावत गेंदबाजी के आक्रमण पे, 131 रन की चुनौती। अतुल रावत अच्छे गेंदबाज हैं, प्रारंभिक बोलर। आ जाएगा एक, पहला ओवर समाप्त और 7 रन आए। पहला ओवर समाप्त होते ही 131 रन की चुनौती और 7 रन उसमें से बन चुके हैं पहला ही ओवर में।
सात रन, पांच रन के युग पे अनिल जोतना सात रन के युग पे खेल रहे हैं। इधर तरुण डिंगरा अपनी गेजी अपनी गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। इनका पहला ओवर होगा, पारी का होगा यह दूसरा ओवर। अच्छा बॉल, बढ़िया गेंद, बढ़िया लपेटा अब स्टंप पे थी गेंद, वहां से बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को लपेटा और चार रन। यहां पे तीन चार रन, जोतना के बल्ले से निकलता हुआ स्टंप के बाहर से गेंद को लपेट के ले गए, मिड विकेट का एरिया चुना, बढ़िया शॉट। अच्छी बॉल उछाल लेती हुई, ये निकली है एक बार पूरा बाउंड्री लाइन के बाद। कितना स्वीट टाइमिंग के साथ शॉट को खेला, बहुत स्वीट टाइमिंग थी। पंद्रह ओहो बढ़िया स्वीट टाइमिंग भाई, बहुत बढ़िया, टेक्निकली बहुत साउंड है, बढ़िया शॉट, शॉट के प्रायोजक थे वैभव भारद्वाज चार्टर। रन इस चार रन के साथ टीम का स्कोर 5 बॉल, खोल दिया बॉल को अब स्टंप के बाद। अतिरिक्त रनों से तो बचना होगा, तरुण ढींगरा अच्छे गेंदबाज हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, अच्छा एडवांटेज मिलता है लंबे कद के बोलर्स को। आहा, लेकिन यहां पे लंबाई का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, सीधा स्कोर बोल्डी पे गेंद आई, बहुत ही बेहतरीन सिक्स। दो ओवर 26 रन टीम का स्कोर। दो ओवर 26 रन,
जरूर यहाँ पे सवाल पूछा अंपायर से, लेकिन उनकी मौन असहमति मिली। अतुल ऊंची चाली चली गई, लेकिन जरा कुछ रन बनाने का मौका मिल गया बल्लेबाज को। अच्छी बैटिंग, अच्छा बॉल, विकेट कीपर के पास पहुंची ये बॉल, रन की उम्मीद नहीं इस गेंद से। एक और चार रन, लगातार रन आते हुए जैसे रन चाहिए वैसे आ रहे हैं। तीन ओवर पूरे और 33 रन स्कोर है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तरुण डिंगरा बढ़िया, अच्छा बॉल, अच्छा रन दिया ये। चौथा ओवर,
ये तो खराब बॉल था और यहाँ पे नसीहत भी बिल्कुल सही देखने को मिली। सीमा रेखा के बाहर हुई बॉल चार रन के लिए। चौका, अच्छी बल्लेबाजी, जिस हिसाब से टारगेट है उस हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है यहाँ पे। रही होना भी चाहिए, विकेट अभी गंवाई नहीं है तो पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनती हुई। अच्छी शॉट बॉल, फुटबॉल अच्छा खेला आपकी बात, खुद बाउंड्री के बाद लुटके लेकिन गेंद को बचा दिया। क्षेत्र रक्षण अच्छा रहा। छोटा बॉल अंदर भी आया, ये थोड़ा छोटा लेंथ का गेन किया था। उनचालीस रन, ऐसे सवाल जरूर पूछा लेकिन सहमति मिली नहीं। इधर चार ओवर भी समाप्त हो चुके हैं टीम के, चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 39। चालीस रन, व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत की है, सबको छोड़ती भी गेंद गई। ओए होए, ये तो बहुत आसान था भाई, क्रिकेट की भाषा में इसी को तो लड्डू कैच बोलते हैं। अगर इस प्रकार के कैचेस को नहीं लिया जाएगा तो फिर किस प्रकार के कैच को लिया जाएगा, तो बहुत ही आसान था।
बल्लेबाज को ऊर्जा मिल जाएगी अगर इस प्रकार से कैच छूटेंगे। बढ़िया एडजस्ट करके बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को समझा, शॉट भी अच्छा खेला, रन एक आ गया टीम के लिए। अच्छी क्रिकेट, ताली भी बजाई, अच्छा किया। बढ़िया शॉट, शॉट आम पुल किया, खिलाड़ी मौजूद है, गैप पे नहीं बॉल, रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। रन तो अच्छा आ रहा है, इस पर कोई दुराई नहीं है, रन अच्छे आ रहे हैं। लगातार अपील बढ़ती जा रही है, कुछ गिना अच्छी देखने को मिली यहाँ पे। ओवर एक बार फिर से पूरा हो गया है, पांच ओवर की समाप्ति के बाद 43 टीम का स्कोर है और विकेट का कॉलम भी शून्य बना हुआ है। गौरव जी भी तैयार हैं, ये टीम के लिए टीम खिचड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे हैं आप? दूसरे भी हैं वैभव, यहाँ दोनों वैभव में केवल एक खासियत है, दोनों बहुत ज्यादा क्यूट हैं। पावर प्ले समाप्त हुआ, पावर प्ले बंद हुआ यहाँ पे से, अब कुछ आज़ादी मिल जाएगी क्षेत्र रक्षकों को, कप्तान को भी कुछ आज़ादी मिल जाएगी अपनी फील्ड को सजाने में, लेकिन मानकों के अंदर, गाइडलाइन के अंदर आपको फील्डिंग सजानी होगी। बढ़िया, अपने आर्म्स को फ्री किया, परिणाम पाया चारन के तौर पे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का यहां पे आया, ये रन फिलहाल आते हुए यहां पे टीम के लिए आसान सा रन। व्हाइट बॉल ये नहीं करना होगा, व्हाइट बॉल ये नहीं डालनी होगी, ये बॉल तो अब आपको डालना पड़ेगा। 50 रन फिलहाल हो चुके हैं टीम के, 50 रन भी कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं
रफी साहब, चार रन। बढ़िया शॉट, चार रन, हवा में उठी थी, भारी किनारा लेती हुई बॉल। एक बार फिर से गेंद निकल पड़ी है, खाली पड़ा क्षेत्र, और जी हां चार रन ये भी जाएगा। शॉट, चार रन। गेंद को खेलने के लिए ऑर्डर रन फिलहाल। छह ओवर पूरे हो चुके हैं यहाँ पे से, उस ओवर के साथ रन, छह ओवर में अच्छा रन है, दस रन प्रति ओवर के हिसाब से बनते हुए। जाने दिया चार रन के लिए। हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, बड़ा आनंद दे रही हैं। धीरे धीरे गर्मी प्रचंड पे बने चढ़ेगी, शुरुआती मौसम है, और मुझे लगता है होली के बाद, तो होली के बाद के जो टूर्नामेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उबासी वाले हो जाएंगे, खासकर लंच ब्रेक के बाद जो इनिंग्स होंगी। फील जरूर रन नहीं इस गेंद के ऊपर, शॉट अच्छी, अब की बार अच्छी फील्डिंग, दन एक और झुकता हुआ किक रन जोड़ने होंगे, पर अच्छी क्रिकेट चलती हुई। बढ़िया फील्ड, रन एक मिल जाएगा,
रन आ रहे हैं टीम के लिए, विकेट हालांकि अभी शून्य है, विकेट निकालनी होगी। फिर से अपील हुई यहां पे, लेकिन पूरा डबल सिक्स, सात ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर। आ चुका है सिक्सटी नाइन यहां पे सोनू रन 70। यहां पे टर्नमेंट की दिशा की ओर निकलती हुई, पीछा जरूर जारी है लेकिन गेंद निकल ही जाएगी, चार रन। लीजिए साहब, अब जाके लंबे प्रयासों के बाद अब जाके पहली विकेट का पतन। चौहत्तर रन 74, आठ ओवर एक विकेट के नुकसान पे, 42 बॉलों पे 57 रन चाहिए, रिक्वायर 57 रन इन 42 बॉल्स।
पार्थ शर्मा नेक्स्ट बैट्समैन। एक विकेट यहां पे आउट हो चुका है। इस विकेट के बाद देखना कि गेंदबाजों की क्या रणनीति होती है, स्ट्रेटजी पार्ट क्या होता है। बढ़िया बॉल, अच्छी गेंद। मिल गए स्वीकृति, जाना होगा बाहर, विकेट नंबर दो। और दो खिलाड़ी आउट। चार रन, ऊंचाई में गई शॉट गई थी लेकिन
दसवां ओवर प्रगति पे। बोर्ड कर लिया, बड़े स्टंप लेती भी गई बॉल। आशुतोष त्रिपाठी नए बल्लेबाज। बढ़िया बॉल, तीन विकेट आउट हो चुकी हैं और संघर्ष लगातार जारी है। 49 रन चाहिए हैं, 32 बॉलें आपके पास बाकी हैं। बढ़िया बॉल, अच्छी गेंद, चार रन सीमा रेखा के बाहर। बिल्कुल दस ओवर पूरे 86 रन टीम का स्कोर। निकल पड़ा है चार रन, व्हाइट बॉल। नाइंटी वन
वेट बॉल एक बार पुनः इशारा अंपायर का बहुत जोर से हुआ। ये लीडिंग एज देती हुई लेकिन खिलाड़ी काफी दूर हैं। खिलाड़ी क्यों राई नहीं बॉल उल्टा भागना पड़ा रन मिल गया एक के चतुर्वेदी गेंदबाजी पे वाइट बॉल फिर से खोल दिया बॉल को फिर से ज्यादा दे दिया वाइट बॉल अच्छा बढ़िया ले आपकी बात चौबीस बॉल में 35 रन 7 विकेट हाथ में 24 बॉलों पे 35 रन बनाने होंगे वाह क्या बेहतरीन आपकी बात देखो जमीन से उठाया हुआ शॉट पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन 6 100 के पार जा पहुंचा स्कोर 102 102 रन पे 103 रन जा पहुंची है रन संख्या
शॉट अच्छा है, बढ़िया शॉट है, लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑफ दोनों फील्डर आ रहे हैं गेंद को लेने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई ले नहीं पाया और यहां पे चार रन। चौबीस रन ये हवा में उल्टा था ना, शॉट अच्छा, ये अंपायर का चार रन का इशारा। चार रन 112 112 रन 18 गेंदों पे 19 रन चाहिए। रिक्वायर 19 रन इन 15 बॉल्स। बढ़िया शॉट, ये बेहतरीन है। 6 रन सिक्स, 17 बॉलों पर 13 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। एक मिलेगा यहाँ पे, बढ़िया। धन एक और आ गया टीम के लिए। बैट बॉल रन अतिरिक्त और बॉल भी फेंकनी पड़ेगी, बैट बॉल का इशारा। 15 बॉलों में 11 रन, 15 बॉल 11 रन। बढ़िया शॉट, दूर से खिलाड़ी आ जरूर रहे हैं लेकिन इधर रन मिल ही जाएगा टीम को। एक और बढ़िया बॉल, अच्छी गेंद,
शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक रन सिंगल रन पी यहां पे बार का काम करते हुए। वन डबल टू तेरह पर 122 तीन खिलाड़ियों के नुकसान पे स्कोर है अब 12 गेंदों का खेल बाकी, उन 12 गेंदों पे 9 रन चाहिए हैं क्योंकि 2 ओवर में 9 रन की जरूरत है। इनको थोड़ा सा क्लोज किया है आपकी बार, अब दूर कर लिया। बढ़िया शॉट गैप में है, ये शॉट गैप में है लेकिन फील्डर आए, गैप को फिल किया उन्होंने और रन एक मिल गया। सिंगल रन भी काम करते हैं टीम के लिए। इस इन द बार बॉल डीजे साहब 3 बज गए। स्टीयर करने का प्रयास था लेकिन फिलहाल 130 रन टीम के स्कोर। चौदह ओवर पूरे हो चुके हैं और अंतिम 6 गेंदों पे एक रन चाहिए है मैचिंग द बार के लिए जीतने के लिए। तो 30 रन, एक रन की आवश्यकता। ये 7 विकेटों से अपनी जीत को दर्ज कराया, बढ़िया।
मैच आई रिक्वेस्ट राम सर टू प्लीज मैन ऑफ द मैच गोज टू मिस्टर नवीन फॉर हिज 4 विकेट्स कैप्टन ऑफ अ बिजनेस ब्रिगेड ज्वाइन